कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में पाकिस्तान कश्मीर के क्षेत्र में लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके पीओके बनाता है, और 1962 में चीन भारत के लद्दाख क्षेत्र में लगभग 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके अपना राज स्थापित करता है, और 1955 में यूनाइटेड नेशन द्वारा भारत को दी जाने वाली सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट, जिसके लिए भारत आज भी लड़ रहा है, वो सीट चाचा नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हुए दुश्मन देश चीन को दे देते हैं। लेकिन इस देश में पैदा कुछ मानसिक गुलामों का कहना है कि देश तो मोदी बेच रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश यादव और आपके अपने चैनल ब्रजेश सर एलपी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, दरअसल देश किसने बेचा। आप ये सुनते होंगे कि हर रोज मीडिया में या अलग अलग जगहों पर कि देश मोदी ने बेच दिया, मोदी ने ये बेच दिया, मोदी ने चीन के हवाले ये वाला भाग कर दिया। क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश किया कि देश वाकई किसने बेचा? तो दरअसल इसका जो सही जवाब है, आज मैं आपको बताऊंगा कि देश किसने बेचा और किसके सरकार में बेचा गया। हम बात करने वाले हैं 1947 के दौर की, जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था और एक भारत के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, और तब देश के प्रधानमंत्री चाचा नेहरू थे, वही चाचा नेहरू जो कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल यही कांग्रेस पार्टी जो आज है, यही कांग्रेस पार्टी उस समय भी थी, और इस कांग्रेस पार्टी को चाचा नेहरू लीड कर रहे थे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी आज भी देश में है, और चाचा नेहरू की जो संतान है, चाचा नेहरू की जो पीढ़ियां हैं, अब उसको लीड कर रही हैं। सब कुछ बदल गया, भारत के भौगोलिक क्षेत्र बदल गए, भौगोलिक सीमाएं बदल गईं, कहीं पर पाकिस्तान ने कब्जा करके पीओके बना लिया तो कहीं पर चीन ने कब्जा कर लिया, और उन्हीं की पार्टी और उन्हीं के लोग ये कहते हैं कि मोदी सरकार में चीन ने भारत के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। दरअसल ये बात सोचने वाली और हंसने वाली भी है कि ऐसा सवाल या ऐसी बातें वो लोग कर रहे हैं जिनकी सरकारों में वो खुद देश को सुरक्षित नहीं रख पाए। 1947 का दौर, जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था, तब प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए नेहरू जी के पास से मौका था कि वो चाहते तो पाकिस्तान से लड़ करके भारत के क्षेत्र यानी पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि जो कश्मीर है उसका लगभग एक तिहाई हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया वो खाली करवा सकते थे, लेकिन नहीं करवाए। जानते हो क्यों? क्योंकि जब उन्होंने कश्मीर के ऊपर हमला किया, तब चाचा नेहरू को ये बात जब बताई गई तो उन्होंने इस बात को बड़े ही आसान तौर से जिससे बचने के लिए ये कह दिया कि ये हमला पाकिस्तान ने नहीं बल्कि कुछ रेडर्स ने किया है। क्या आप जानते हैं रेडर्स किसे कहते हैं? रेडर्स वो होते हैं जो लोग अचानक हमला करते हैं, लूटपाट करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था, वहां पर पाकिस्तान की सेना पाकिस्तानी लोगों के साथ मिलकर के भारत में घुसपैठ कर रही थी और कश्मीर पर कब्जा कर रही थी। अब जरा सोचिए आप कि जब देश का प्रधानमंत्री ये बात मानने से मना कर रहा हो कि उसके देश पर हमला नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग आए हैं जो लूटपाट करने आए हैं और लूटपाट करके चले जाएंगे। दरअसल ये बात उस पार्टी के लोग आज पूछते हैं कि मोदी ने देश बेच दिया। लेकिन क्या आपको पता है, जब भारत की सेना ने कश्मीर में जाकर के उन्हीं पाकिस्तानियों को खदेड़ना शुरू किया और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू किया, तो उस समय नेहरू के पास ऐसा मौका था, वो चाहते तो सेना को खुली छूट देते और जितने भी हिस्से पर यानी कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया वो खाली हो जाती। लेकिन उसे खाली करवाने से पहले ही खुद ही चाचा नेहरू यानी कांग्रेस पार्टी के मेन नेता जो प्रधानमंत्री थे चाचा नेहरू, वो यूनाइटेड नेशन में चले गए और ये कहने लगे कि इसका समाधान निकालिए। जब आपकी सेना दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा के मार रही हो, जब आपकी सेना अपने देश पर किए गए कब्जे को छुड़ा रही हो, तब आप एक प्रधानमंत्री के रूप में ये कह रहे थे कि नहीं, आप इसका समाधान निकालिए। अगर नेहरू जी यूनाइटेड नेशन में नहीं गए होते तो हमारी सेना जो क्षेत्र कब्जा किया था पाकिस्तान ने, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर वाली जमीन, उसको उसी वक्त खाली करवा लिया गया होता और पीओके आज पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में होता। आज मोदी सरकार ये कह रही है कि हम पीओके वापस लेंगे, तो बात होती कि अरे मोदी ने देश बेच दिया और आपने कांग्रेस ने, कांग्रेस की चाचा नेहरू जी ने
90,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करवा दिया तो उन्होंने देश को बचा लिया। वाह जी वाह, क्या दलीलें देते हो आप लोग, सुन करके भी देश के लोग हंसते हैं। दरअसल आप ऐसा इसलिए बोलते हो क्योंकि देश के लोगों को सही इतिहास नहीं पता है। आप लोगों ने इतिहास को ऐसे तोड़ मरोड़ के लिखवाया कि देश की जनता के सामने सही इतिहास आया ही नहीं। 1955 का वो दौर जब भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का दर्जा दे रहा था, यानी कि अस्थाई सदस्य बना रहा था, तब हमारे चाचा नेहरू ने ये कह दिया कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें वीटो पावर की कोई जरूरत नहीं है, इसे तो चाइना को दे दो और चाइना हमसे बेहतर तरीके से डील कर सकता है। क्या चाचा नेहरू और कांग्रेस को लगता था कि उनके पास नेतृत्व वाली शक्ति नहीं है? क्या वो इतनी बड़ी पावर लेकर दुनिया के लोगों का नेतृत्व नहीं कर सकते थे? अगर आपको लगता था कि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है तो आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा ही किसने था? आप तो वैसे भी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, आपको 1 वोट मिला और 14 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को, फिर भी आपने गांधी जी के साथ मिलकर के ऐसी साजिश रचा कि 1 वोट वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया और 14 वोट पाने वाला व्यक्ति देश का गृह मंत्री बना। शायद आप में काबिलियत होती तो ऐसा होता ही नहीं। छल से पाई गई कुर्सी, छल से पाई गई सत्ता आखिर कितना काम कर सकती है? शायद आपकी नाकामयाबी का एक सबसे बड़ा ये परिणाम था। नेहरू कांग्रेस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो दर्जा था वो चीन के हवाले कर दिया तो उन्होंने देश का भला कर दिया। आज मोदी सरकार उसी दर्जे के लिए, उसी पावर के लिए लड़ाई लड़ रही है तो मोदी सरकार देश बेच रही है। ऐसी गुलामी भरी मानसिकता वाले लोग पैदा हिंदुस्तान में कहां से हुए हैं, ये बात जरा समझ में नहीं आती है। 70 साल की गुलामी लोगों के दिमाग से अभी गई ही नहीं। इसलिए नहीं गई क्योंकि देश का इतिहास पता नहीं है, और कुछ लोगों को तो पता है फिर भी वो गुलामी भरी मानसिकता में जी रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका उससे भला हुआ है, कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक लाभ उससे जुड़ा हुआ है। शायद वो इस वजह से करते हैं, या फिर हो सकता है कि गुलामी वाली मानसिकता आज भी उनकी समझ पर भारी है। 1962 यानी कि चाइना और भारत का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में कि भारत की बुरी तरह से हार हुई थी और लगभग 3,000 जवान शहीद हो गए थे। दरअसल यह हार उस वक्त की सरकार कांग्रेस नेहरू की थी, या फिर आप कह लीजिए नेहरू कांग्रेस की वो हार थी, क्योंकि हमारी जो वायुसेना थी, जो एयरफोर्स थी, वो इतनी मजबूत थी कि अगर चाचा नेहरू ने, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने सेना को छूट दी होती तो चीन को चमगादड़ बना दिया गया होता। लेकिन ये सब जानते हुए भी कि हमारी एयरफोर्स स्ट्रांग है, फिर भी हमारी सेनाओं को खुल करके लड़ने का मौका तक नहीं दिया गया। यानी कि युद्ध तो सेना लड़ रही थी लेकिन फैसले सत्ता में बैठे हुए लोग ले रहे थे। जिसे युद्ध की परिभाषा ही नहीं पता हो वो युद्ध की नीतियां तय कर रहा था, तो इसमें सेना की हार होना निश्चित ही था। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है जो भारत और चीन के युद्ध में इस तरह के परिणाम आए? तो जो कुछ इतिहासकार थे, जो सैन्य इतिहासकार थे, जो सेना के बारे में इतिहास लिखते थे, उनका ऐसा मानना है कि उस वक्त चाचा नेहरू के सबसे पसंदीदा और प्रिय जो व्यक्ति थे वो थे कृष्ण मेनन, जिन्हें उन्होंने रक्षा मंत्री बनाया था। और उसी वक्त जो सेना के जनरल थे उनका नाम था थिमैया, और थिमैया तथा कृष्ण मेनन के बीच काफी टकराव था क्योंकि कृष्ण मेनन एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री नेहरू के बहुत ही चहेते थे। बात मिलाकर के कुल ये हो गई कि कृष्ण मेनन और जवाहरलाल नेहरू को युद्ध के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इसी बात का जो जनरल थे थिमैया, उनका भारी विरोध था इन दोनों लोगों से कि यदि आप युद्ध के बारे में नहीं जानते हैं तो कम से कम आप हमारी बातें सुन लीजिए। लेकिन ये दोनों ही लोग थिमैया के बड़े विरोधी थे। जब चाइना हमारे बॉर्डर पर युद्ध की तैयारी कर रहा था, जब सेना इस बात का इनपुट दे रही थी सरकारों को, तब हमारे देश की सरकारें यानी कि कांग्रेस सरकार उस वक्त हमारे ही देश के आर्मी जनरल के खिलाफ साजिश रच रही थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार जब थिमैया बहुत दुखी हो गए तो वो खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने पहुंच गए, और उन्होंने बात कहा कि आप जनता को संतुष्ट रखने के लिए, खुश रखने के लिए आप कोई भी नारा या बयान तो दे सकते हैं, लेकिन जो सीमा पर हालात है उसको बातों से नहीं बदला जा सकता है, उसके लिए धरातल पर काम करना ही पड़ेगा। तब उस वक्त नेहरू ने थिमैया को बुला करके उनसे बात की और उन्होंने कहा कि आप जो कहना है आप मुझे कहिए, मैं इस बारे में रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन से बात करूंगा। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने तो थिमैया से ये वादा कर लिया था, जनरल थिमैया से उन्होंने ये वादा कर लिया,
लेकिन थिमैया ने ये भी कहा था कि जो रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन है, आप उनको अच्छे से समझाइए, वो हमारी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तब जवाहरलाल नेहरू ने ये भी कहा था कि ठीक है, हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे और आप भी नियम के तहत एक बार आप जाकर के उनसे बात कीजिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि देश के जिस प्रधानमंत्री ने जनरल से यानी कि सेना प्रमुख से ये बात कही हो, उससे वादा किया हो कि मैं आपके द्वारा कही गई बात को कहीं पर लीक नहीं करूंगा, उन्होंने ही सदन में जाकर के थिमैया के खिलाफ बातें कहना शुरू कर दिया और कृष्ण मेनन का पक्ष लेना शुरू कर दिया, जिससे थिमैया बहुत दुखी हो गए। आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि आप किसी व्यक्ति से वादा कीजिए कि ठीक है, आप अपनी बात मुझसे कहिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब मौका मिले तो सभी लोगों के बीच में आप उसी का मजाक बनाना शुरू कर दो, तो सोचिए उस व्यक्ति को कितना दुख होगा। और इन बातों से दुखी होकर के जो सेना प्रमुख थिमैया थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया तथा इसका भारी परिणाम यानी भारी नुकसान भारतीय सेना को चुकाना पड़ा, जिसका परिणाम 1962 का युद्ध हुआ। यदि नेहरू और कृष्ण मेनन थिमैया की बात मान लिए होते, यानी सेना प्रमुख थिमैया जो कह रहे थे चीन की नीतियों के बारे में, चीन की सोच के बारे में, चीन की रणनीति के बारे में, तो 1962 का युद्ध से पहले भारत में भी सेनाएं जो है अपनी ट्रेनिंग ले चुकी होती और साथ ही साथ ऐसे सेंसिटिव इलाके में तैनाती कर दी गई होती जहां पर सेना की जरूरत थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन, इनकी यारी ऐसी थी कि इन लोगों को थिमैया की राय बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। और परिणाम ये हुआ कि 1962 का युद्ध, जिसमें भारत ने 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन गंवा दिया और उस जमीन पर चाइना ने कब्जा कर लिया तथा साथ ही साथ इस युद्ध में लगभग 3,000 से अधिक हमारे जवान शहीद हो गए। तो सवाल ये उठता है कि जिस नेहरू कांग्रेस सरकार ने देश की 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन यानी कि कश्मीर जो है पाकिस्तान को POK के रूप में सौंप दिया हो, भारत की वीटो पावर यानी UNSC की सदस्यता दुश्मन देश चीन को दे दिया हो तथा भारत की जमीन पर कांग्रेस सरकार में चाचा नेहरू की सरकार में लगभग 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया हो, उस देश की वो कांग्रेस पार्टी और उसी देश की दलाल मीडिया जो ये बताती जा रही है कि भारत में कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने ये किया, और वही दलाल मीडिया आजकल एक नया नाम दे रखी है कुछ मीडिया चैनलों को, गोदी मीडिया। यानी कि यदि आप मोदी की तारीफ करते हो, मोदी के किए गए काम को बताते हो, तो आप गोदी मीडिया हो। तो जरा बताइए, 2014 से पहले तो कोई मोदी नहीं था, तो उससे पहले मीडिया किसकी थी? क्या मीडिया दलाल मीडिया थी? इस देश में कुछ मीडिया चैनल ऐसे हैं जिनको दलाली इतनी पसंद आती है कि उन्हें अच्छाई और सच्चाई सुनने से भी डर लगता है। शायद वही मीडिया चैनल हैं जो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। अरे साहब, गोदी मीडिया तो 2014 में बना, 70 साल किसकी मीडिया थी ये तो बताओ। किसकी चरण वंदना कर रहे थे? दलाली वाली पत्रकारिता कर रहे थे। आप ऐसे देखिए कि जिस कांग्रेस शासनकाल में भारत का बंटवारा हुआ, भारत पाकिस्तान बना, जिस कांग्रेस शासनकाल में चाचा नेहरू के नेतृत्व में देश की जमीन पर 90,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ले गया, जिस चाचा नेहरू के नेतृत्व में यानी कि 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा किया, UNSC की सदस्यता जो भारत को मिल रही थी उसको दुश्मन देश चीन को दे दिया, और जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया नारा हिंदी चीनी भाई भाई। क्या बात है कि आप ऐसे देश को भाई बताते हो जिसने भारत के सीने में खंजर घोंप दिया, लेकिन देश मोदी बेच रहा है। साहब, आपके जमाने में चाइना घुस करके युद्ध लड़ता है और जहां तक मर्जी होती वहां तक कब्जा कर लेता है, लेकिन मोदी सरकार में डोकलाम एक विवाद हुआ जहां पर भारतीय सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, और तब से लेकर अब तक ये विवाद चल रहा है, लेकिन दुश्मन देश चीन की औकात नहीं है कि वो भारत के क्षेत्र में घुस जाए या भारत की सेनाओं से पंगा ले सके, क्योंकि उसे पता है कि इस समय देश में कांग्रेस या चाचा नेहरू वाली सरकार नहीं है, इस समय देश में दमदार मोदी सरकार है। देश तब बिक रहा था, लेकिन हल्ला आज होता है कि मोदी ने तो देश बेच दिया, मोदी देश बेच रहा है। अरे जिसने बेचा उसकी दलाली करते हो, और जो देश को बचाने की बात करता है उसे देश बेचना कहते हो। ऐसी गुलामी भरी मानसिकता लेकर तुम पैदा कैसे होते हो? इस विषय पर मैं आपका विचार चाहता हूँ, जरा आप बताइए कि देश किसने बेचा, मोदी भाजपा ने या फिर नेहरू कांग्रेस ने? थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रजेश सर LP।